हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और मैं आप सभी के बीच में एक बार फिर से नई जॉब वैकेंसीज की जानकारी लेकर आ गया हूं। आज की वीडियो में दो कंपनी के अंदर वैकेंसीज की जानकारी दी जाएगी और ये दोनों ही कंपनियां नोएडा की हैं। तो नोएडा की इन दोनों कंपनियों में वैकेंसी चल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सैलरी पैकेज क्या रहेगा, एजुकेशन क्या मांगा जा रहा है, इंटरव्यू के लिए क्या प्रोसेस करना है और सिलेक्शन का क्या यहाँ पर प्रोसेस रहेगा, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो जानकारी को आप ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए और वहां पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको ऑन कर लीजिएगा। वहां पर हम लेटेस्ट जॉब अपडेट देते रहते हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपको अर्जेंट बेसिस पे वहां पर मिल जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। साथ ही आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके उसको भी सेव कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और जो जॉब इन्फॉर्मेशन आज की है उनकी डिटेल्स को देख लेते हैं। पहली वैकेंसी टेक महिंद्रा कंपनी के अंदर निकल के आ रही है। टेक महिंद्रा एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इसके इंडिया में अलग अलग ब्रांचेस हैं, कई सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे टेक महिंद्रा कंपनी के ऑफिस हैं। नोएडा के अंदर भी टेक महिंद्रा के 2-3 ऑफिस हैं, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकला हुआ है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों ही तरह के कैंडिडेट इस जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। और रोल की बात करें तो चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे आपका प्रोफाइल रहने वाला है, जिसमें आपको कस्टमर के साथ डील करना है। आगे क्या वो रहेगा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 35 साल की एज तक के कैंडिडेट इस जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों ही तरह के कैंडिडेट के लिए जॉब है। और जॉब लोकेशन आपका सेक्टर 81 नोएडा के अंदर रहेगा। बात करें एजुकेशन रिक्वायर्ड की, तो कोई भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अब फुल डिटेल्स यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जॉब है, ग्रेजुएट पास होंगे, एक्सपीरियंस है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे उनकी सैलरी 2.2 LPA यानी कि 15,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी मंथली लगभग। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट की सैलरी 2.80 LPA यानी कि 20,500 रुपये अप्रोक्स इन हैंड सैलरी मिलेगी। फैसिलिटीज की बात करें तो दोनों साइड से आपको कैब की सुविधा मिलेगी, यानी कि ऑफिस आने जाने के लिए कंपनी आपको कार प्रोवाइड करेगी। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंसेंटिव भी बनता है जो कि आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर यहाँ पे स्किल मांगी गई है जो जरूरी है। पहला, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल मैंडेटरी है। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही अच्छा होना चाहिए। और साथ ही आपकी टाइपिंग स्किल यानी कि कंप्यूटर पर जो आप टाइप करते हैं वो स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। रोटेशनल शिफ्ट लगेगी तो 24/7 यानी कि 24 घंटे में आपकी शिफ्ट कोई भी लग सकती है, मॉर्निंग की भी लग सकती है, इवनिंग की भी लग सकती है और नाइट की भी लग सकती है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, अगर आप किसी भी शिफ्ट में काम कर सकते हैं तभी इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। साथ ही आपको रोटेशनल वीक ऑफ भी मिलेगा, यानी कि जरूरी नहीं है कि केवल संडे को ऑफ मिले, वीक ऑफ आपको हफ्ते में एक मिलेगा और वो किसी भी दिन मिल सकता है। एलिजिबिलिटी मैंने पहले भी बता दिया कि गुड कम्युनिकेशन स्किल और गुड टाइपिंग स्किल यहाँ पर मांगा गया है और कोई यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किल नहीं मांगी गई है, केवल आप ग्रेजुएट पास हैं और ये दो स्किल आपके पास हैं तो आप इस जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। इमीडिएट ज्वाइनर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यानी कि वो लोग जो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। सैलरी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा, सैलरी आपको ज्यादा भी मिल सकती है, जो बताई गई है उससे ज्यादा भी सैलरी आपको मिल सकती है जो कि यहाँ दिखा हुआ है। अब आपको इस जॉब को अप्लाई करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे नंबर HR का शो हो रहा है जिनका नाम है आशीष कौशल, उनका मोबाइल नंबर भी शो हो रहा है और मेल ID भी शो हो रही है। आपको इस मेल ID पे अपना रिज्यूम शेयर कर देना है। ये नंबर आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारे वेबसाइट से आके नंबर निकाल लीजिएगा। इस नंबर पे आपको अपना रिज्यूम शेयर करना है और रिज्यूम उनके तक पहुंच जाएगा, फिर वो लोग आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो चलिए हम अपने दूसरे कंपनी की तरफ चलते हैं। दूसरी कंपनी जिसमें रिक्वायरमेंट है वो है JSP इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। इस कंपनी में थोड़ा सा मीडियम क्वालिफिकेशन और जिन लोगों के पास इंग्लिश अच्छी नहीं है उन लोगों के लिए मैं जॉब ये वाली बता रहा हूँ, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। कंपनी का नाम है JSP इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड और इस कंपनी के अंदर स्मार्ट वॉच बनते हैं, जो घड़ी आ रही है डिजिटल घड़ी वो घड़ी यहाँ पर बनाई जाती है। कंपनी के अंदर लड़के लड़कियां दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है। और डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन क्वालिटी और ऑपरेटर के पोस्ट पे डिपार्टमेंट में यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 28 साल की एज तक के कैंडिडेट इस जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं।
एक्सपीरियंस की बात करें तो केवल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जॉब है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और जॉब लोकेशन की बात करें तो वो आपका नोएडा के अंदर होने वाला है। एजुकेशन रिक्वायर्ड की बात करें तो 10th पास, 12th पास, ITI और डिप्लोमा पास और बीटेक पास भी जो कैंडिडेट हैं वो इस जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑल ट्रेड यहाँ पर मांगा गया है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के अंदर जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 11,090 रुपया मंथली पे की जाएगी 8 घंटे की। साथ ही 40 रुपया पर घंटे के हिसाब से कंपनी में ओवर टाइम चलता है और 2-3 घंटा ओवर टाइम कंपनी के अंदर चल जाता है। संडे के दिन कंपनी के अंदर ऑफ होता है और लंच और डिनर के लिए आपको 30 रुपये यहाँ पर चार्ज पे करना पड़ेगा। 30 रुपये में आपको दोनों टाइम का खाना कंपनी के अंदर मिल जाएगा। अगर आप एक टाइम का खाना खाते हैं तो आपको 15 रुपये में मिल जाएगा। ये जॉब बिल्कुल फ्री है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी पैसा किसी को नहीं देना है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन की मार्कशीट, बैंक पासबुक फोटो कॉपी, रिज्यूम, पासपोर्ट साइज का फोटो और वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको इंटरव्यू के लिए लेकर जाना है। इंटरव्यू का जो डेट है वो है 23 अक्टूबर 2023 और इंटरव्यू चलेगा सुबह 8 बजे से, इसलिए आप लोग समय से इंटरव्यू के पते पर पहुंच जाएं। इंटरव्यू का जो एड्रेस रहेगा वो है प्लॉट नंबर D34/3 सेक्टर 59 नोएडा उत्तर प्रदेश। वहां पे आपको HR विवेक जी मिल जाएंगे जिनका नंबर आपको शो हो रहा है। आप वहां पहुंचकर कॉल कर डॉक्यूमेंट इनको ही दीजिएगा, किसी और को डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी मत दीजिएगा। अन्य जॉब के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आके विजिट कर सकते हैं। रेगुलर बेस पे बहुत सारी जॉब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पब्लिश की जाती है। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।